वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, मिसेस कोहली की तरफ से प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। एक बार मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मसालेदार सूखी अरबी की सब्जी। जी हाँ, ये बहुत टेस्टी बनती है, कुरकुरी बनती है। और देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं इसे किस तरह से बनाएंगे। तो अरबी को मैंने अच्छी तरह से छील कर धो कर साफ करके उसे सुखा लिया था और इस तरह से देखिए लंबाई में इसे मैंने कट कर लिया है। आप किसी भी शेप में इसे कट करके बना सकते हैं, खाने में बहुत लजीजदार बनेगी फ्रेंड्स। तो मैं तो देखिए मैंने तो लंबाई में कट किया। हाँ, इसमें पानी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ड्राई है, क्योंकि हमें इसे करना है फ्राई। तो फ्राई करने के लिए इसमें पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये देखिए बिल्कुल ड्राई है, हाथों पर कोई पानी नहीं लग रहा। तो फ्लेम ऑन करके रखते हैं कढ़ाई और डालते हैं उसमें 3-4 बड़े चम्मच ऑयल। ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, हाई फ्लेम पर मैंने गर्म किया है। अब डालते हैं हम कटी हुई इसमें अरबी। तो लीजिए अरबी हमने डाल दी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे फ्राई करेंगे हाई फ्लेम पर। कम से कम 2-3 मिनट पहले मैं इसे फ्राई करूंगी, फिर इसकी फ्लेम कर देंगे लो टू मीडियम और इसे कवर कर देंगे और पकने देंगे 6-7 मिनट, ताकि हमारी जो अरबी है वो भी काफ़ी अच्छी मतलब कि कुक हो जाए, पक जाए। तो चलिए फिर वेट करते हैं और इसे फ्राई करते हैं, अलट पलट करते हुए फ्राई करते हैं और बढ़िया सा कलर आने देते हैं। तो ये देखिए अरबी हमारी फ्राई होनी स्टार्ट हो चुकी है। तो 2-3 मिनट हो चुके हैं, अब मैंने इसकी फ्लेम कर दी है लो टू मीडियम और इसे हम कर देंगे कवर। और कवर करने के बाद हम इसे कम से कम 7-8 मिनट पकने देंगे, क्योंकि अरबी हमारी पकी होनी भी ज़रूरी है। थोड़ी सी कुक हो जाएगी, थोड़ी सी बाद में कुक करेंगे। तो ये देख लेते हैं, तो ये देखिए अब टूट रही है अरबी। बस अब इससे ज़्यादा हम इसे और नहीं पकाएंगे। कम से कम इसे 10 मिनट हो गए हैं मुझे इसके ऊपर अच्छी तरह से फ्राई करते हुए। निकाल लेते हैं इसे अलग से प्लेट के ऊपर। अब देखिए इसी ऑयल में हमें लगाना है तड़का। तो 2 चुटकी मैंने डाल दी इसमें हींग, साथ में 1/2 चम्मच डाल दिया है साबुत जीरा यानी कि क्यूमिन सीड्स। और अब डालते हैं इसमें 1/2 चम्मच अजवाइन। अजवाइन बहुत ज़रूरी है अरबी की सब्जी में, और जिसे हम कैरम सीड्स भी कहते हैं। तो 1/2 चम्मच मैंने डाल दिया, इसे अच्छी तरह से थोड़ा सा भुनने देते हैं, ऑयल में इसका फ्लेवर आने देते हैं। अब डालेंगे हम इसमें कटी हुई हरी मिर्च। तो 4-5 हरी मिर्च मैंने ली हैं, जिसे चॉप करके मैंने इसमें ऐड कर दिया। आप देख ही रहे हैं, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। अब डाल दिया मैंने इसमें 1 बड़ा प्याज कट करके, और इसे भूनना है हमें अच्छी तरह से। इसका कच्चा फ्लेवर बिल्कुल ख़त्म हो जाए, कलर चेंज नहीं करना हमें, लेकिन इसका कच्चा फ्लेवर ख़त्म होने तक हम इसे आराम से भूनेंगे, जब तक ये हल्का गुलाबी कलर का ना हो जाए। तो इस तरह से आप सूखी सब्जी बनाएं अरबी की, बहुत ही टेस्टी कुरकुरी बनती है फ्रेंड्स, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए हल्का सा प्याज हमारा भुन गया था, तो मैंने डाल दिया इसमें 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब इसे भी हमने भूनना है क्योंकि इसका कच्चा फ्लेवर भी ख़त्म करना है। तो भून लेते हैं 1-1.5 मिनट। तो 1-1.5 मिनट हो चुका है, अब हम डालेंगे इसमें कुछ सूखे मसाले, तो वो भी देख लेते हैं। तो ये मैंने डाल दिया 1/2 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा सॉल्ट यानी कि नमक, या टेस्ट के अकॉर्डिंग भी कह सकते हैं। 1/2 चम्मच डाल दी मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च यानी कि रेड चिली पाउडर। 1/2 चम्मच ही मैंने डाल दिया हल्दी पाउडर यानी कि टर्मरिक पाउडर। 1/2 चम्मच ही मैंने डाल दिया इसमें कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया पाउडर। 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम डाला है मैंने इसमें गरम मसाला। तो मसाले इसमें लगभग हमारे सभी चले गए, 1 मसाला लास्ट में ऐड करेंगे जिससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। तो चलिए इन मसालों को भी थोड़ा सा भून लेते हैं। फ्लेम मैंने इसकी मीडियम कर दी है, और अब हम इसे इसमें डालेंगे हमारे ग्रेट किए हुए टमाटर। तो 2 टमाटर थे जिसे मैंने ग्रेटर से ही ग्रेट कर लिया है। मिक्स करेंगे इसे मसाले में, और इस मसाले को अब हमें भुनना बहुत ज़रूरी है अच्छी तरह से, बहुत ही ज़बरदस्त, क्योंकि इसमें से ऑयल सेपरेट होना चाहिए। तो कम से कम 7-8 मिनट हमें इस मसाले को भुनने में भी लगेगा। मसाला अच्छी तरह से भुना होगा ना तो सब्ज़ी हमारी बहुत टेस्टी बनेगी। तो वेट करते हैं 7-8 मिनट की, इसे कर देंगे कवर। तो लीजिए ऑयल भी सेपरेट हो गया, आप देख ही रहे हैं मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है और ज़बरदस्त खुशबू आ रही है फ्रेंड्स। तो मसाला हमारा भुन गया है, अब डालेंगे हम इसमें जो हमने फ्राई करके अरबी रखी है ना उसे, तो डाल देते हैं। ये लीजिए अरबी गई इसमें। अब इस मसाले को हमें अरबी के ऊपर अच्छी तरह से कोट करना है ताकि सभी फ्लेवर अरबी में आ जाएं। तो बस इसे अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा पकने में, बहुत जल्दी से ये कुक हो जाएगी क्योंकि काफ़ी हद तक ये कुक है। बस इसे हमें हल्के हाथ से मिक्स करना है ताकि अरबी टूटे ना। तो अब डालेंगे इसमें 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर यानी कि मैंगो पाउडर, ड्राई मैंगो पाउडर। तो
तो मिक्स करेंगे अभी इसे भी अच्छी तरह से, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है आमचूर पाउडर से, तो हल्के हाथों से ही इसे मिक्स कीजिएगा फ्रेंड्स। अगर अरबी टूट गई तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। तो बस अब हम इसे कवर कर देंगे और कम से कम 3 से 4 मिनट लो फ्लेम पर पकाएंगे। तो 3 से 4 मिनट हो गए हैं, ये देखिए मैंने इसका ढक्कन खोल कर दिखा रही हूँ मैं आपको, बहुत ही बढ़िया अरबी बन गई है हमारी सूखी अरबी, मसालेदार और कुरकुरी। देख रहे हैं ना, सभी अरबी के ऊपर अच्छी तरह से मसाला कोट हुआ हुआ है, बस इसी तरह की अरबी हमें चाहिए थी। तो मैं आपको नज़दीक से भी दिखा देती हूँ, ये देखिए, और कोई भी अरबी टूटी नहीं है, बहुत अच्छी तरह से कुक हुई है, बहुत अच्छी तरह से पकी है। तो आप इसे परांठे के साथ, नान के साथ, पूरी के साथ, रोटी के साथ, जिसके साथ मर्जी खा सकते हैं, ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो आप इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल खिली खिली हमारी अरबी बनी है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, मैंने सर्व कर दिया है, थोड़ा सा गार्निश कर दिया हरे धनिए के साथ। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। फिर मिलती हूँ दोस्तों एक और